मैं आज भी वहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, यही बात आप कर रहे हैं उसका जवाब वही जवाब मैं दिए जा रहा हूँ। राजनीति में मैं कभी नहीं आऊंगा, ये 100% नहीं 200% मालूम नहीं हुआ। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मनोज वाजपेयी ने राजनीति में आने से किया इनकार। मनोज वाजपेयी ने कहा, मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। जब भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव आते हैं, ये सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, 200% तय है कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। दरअसल मनोज वाजपेयी अपने ब्लॉकबस्टर फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म के प्रमोशन के लिए अपने होम टाउन पटना पहुंचे थे। उनकी ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म में मनोज वाजपेयी ने मुख्य किरदार निभाया है। सिर्फ एक बंदा काफी है की दिलचस्प कहानी। सिर्फ एक बंदा काफी है की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जिसमें मनोज वाजपेयी ने PC सोलंकी नाम के एक वकील की भूमिका निभाई है। ये कहानी एक आम इंसान की है जो पेशे से हाईकोर्ट में वकील है और अपने बलबूते पर देश में भगवान का दर्जा पाने वाले सबसे बड़े धर्मगुरु के खिलाफ एक असाधारण मुकदमा लड़ता है और अंत में उस धर्मगुरु को पॉस्को एक्ट के तहत एक नाबालिग के साथ बलात्कार के जुर्म की सजा दिलाने में कामयाबी मिलती है। एक्टर मनोज वाजपेयी ने कहा कि सिर्फ एक बंदा काफी है कहानी हमारे समाज में महिलाओं की हिफाजत के लिए बेहद अहम मुद्दे से जुड़ी है। ये हमारे समाज का आईना है और बेहद कड़वी सच्चाई को दर्शाता है। हमें खुशी है कि दर्शकों ने फिल्म की कहानी से जुड़ाव महसूस किया और फिल्म से उन्हें प्रेरणा मिली। इस दौरान मनोज वाजपेयी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं कभी राजनीति में नहीं जाऊंगा। वहीं लालू यादव से मुलाकात पर बोले मनोज वाजपेयी, अभी समय नहीं है, यहीं से मैं नीतीश जी और लालू जी को प्रणाम करता हूं। अरे हर बार ये चर्चा होती है, आपके क्या इच्छा है? 30 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, हर बार जो विधानसभा में लोकसभा के चुनाव जब आने वाले होते हैं इस तरह की बातें होती हैं। मैं आज भी वहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, यही बात आप कर रहे हैं उसका जवाब वही जवाब मैं दिए जा रहा हूँ। राजनीति में मैं कभी नहीं आऊंगा, ये 100% नहीं 200% मालूम नहीं हुआ। इसके बाद कभी कृपया करके इस मुद्दा से बात कीजिए। लालू यादव से भी मिलने के लिए जाइएगा सर। मोबाइल नहीं है, समय नहीं है, अभी हम लोग इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन है मोबाइल लिए आपसे मुलाकात होगी तो कौन है सबको प्रणाम होगी। मतलब बहुत सारे सीन्स हैं इसमें और दर्शक जो पसंद करता है वो हमारी पसंद आती है। दर्शकों को लास्ट का जो क्लाइमेक्स है बहुत पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि फिल्म की सफलता के बाद मनोज वाजपेयी पटना के मशहूर टूरिस्ट लोकेशन गांधी घाट पर आशीर्वाद लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बोट राइड भी की। गंगा पथ पर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली से भी मिले और उनकी यात्रा के बारे में उनसे चर्चा की। पंजाब के CTV के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।